देखो यार, पाकिस्तान अच्छा खेली आज और उन्हें पूरा हक है जीतने का, पर ऐसे जलील करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, एक आध विकेट तो इंसान ऐसे ही दे देता है प्यार मोहब्बत में कि चलो अगला भी आया है खेलने के लिए, जूते वूते पहन के उसको भी इंजॉय करने दो। कल जब वजीर आजम इमरान खान ये मैच देख रहे थे, उस मैच की तस्वीर में एक शख्स बैठे हुए थे, वो लंबी सी पोनी टेल किए हुए, उनकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी और बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी हुई कि ये शख्स कौन है। फिर मैंने पता करने की कोशिश की तो खबर ये है, बल्कि काफी हद तक कंफर्म खबर है, आने वाले एक दो दिनों में आपको पता भी चल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 25 अक्टूबर और दिन है पीर का। एक दिन की सरकारी छुट्टी के बाद डॉलर आज फिर पाकिस्तानियों की खुशियों पर पानी फेरने की कोशिश कर रहा है और बल्कि कोशिश कामयाब भी हुई है और 44 पैसे इजाफे के साथ ओपन मार्केट में 175 रुपये से भी ऊपर ट्रेड होने लगा है। बलूचिस्तान में भी सियासी बहरान जारी है और मुल्क की मजमूई सियासत को भी ये बहरान बुरी तरह मुतासिर कर रहा है और इसके साथ साथ मजहबी जमात का एहतजाज भी इस वक्त हो रहा है। इन सारी डिप्रेसिव खबरों के बावजूद भी न जाने क्यों दिल खुश है और वजह ऑब्वियस है कि घंटों गुजर जाने के बावजूद भारत से जो जीत का नशा है वो अभी तक उतरा नहीं है। मैं पर्सनली सारी हाइलाइट्स देख बैठा हूँ, एक बार नहीं कई कई बार देख बैठा हूँ, सारे स्लो मोशन ख़त्म कर दिए देख देख के। T20 वर्ल्ड कप के सारे जो थीम सॉन्ग से कम ऑन लेट्स गेट मूविंग एंड लेट्स द बल्ला गो, इस पर बनी भी सारी वीडियोज़ देख ली हैं, लेकिन जीत का जो मज़ा है ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। पता नहीं कितने अरसे के बाद पूरा मैच सुकून से और इत्मीनान से देखा है और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो मज़े मज़े की मीम्स हैं उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। दुबई की सड़कों से लेकर अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ख़ास तौर पर जो कश्मीरी भाइयों ने जश्न मनाया है ना, उसने तो माहौल को बिल्कुल ही अलग कर दिया। मतलब उसका मातम तो भारत में डबल हो गया ना, एक तो हार गए उसका दुख और ऊपर से कश्मीर में पाकिस्तानी परचम और वहाँ पर पाकिस्तान के हक में नारेबाजी, बस माहौल ही कुछ अलग था। और इस बार सबसे अच्छी बात ये थी कि वो गाना नहीं सुनने को मिला कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। और मेरी तरह मुझे उम्मीद है, यकीन भी है कि बहुत सारे लोगों ने लेजेंड रमीज़ राजा की कमेंट्री को भी बहुत मिस किया होगा। मैंने तो बहुत मिस किया, उनकी कमेंट्री नहीं थी इस मैच में, पाक इंडिया मैच में, वरना और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता। खैर, इस शानदार जीत से जहाँ भारतीय क्रिकेट गुरुओं के गरूर और अना से भरे तमाम तबसरे, तमाम तज्जिए और पेशगोइयाँ गलत साबित हुई हैं, वहीं वर्ल्ड कप मैच में जो भारत से कभी ना जीतने का एक ताना था वो भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। यूँ तारीख भी बदल गई, रिवायत भी बदल गई और कल से शुएब अख्तर हरभजन सिंह को ढूंढ रहा है। वो जो कहता था कि मैच खेलने की बजाय हमें वॉक ओवर दे दे, वैसे ही आपने हार जाना है, तो शुएब अख्तर ट्वीट पर ट्वीट करके पूछ रहा है कि चाहिए वॉक ओवर या हो गई है तसल्ली। और ये मैच शायद पाकिस्तान बामुकाबला भारत नहीं था, हकीकत है ये बात, ये मैच पाकिस्तान वर्सेस पूरी ICC थी। जिस टीम को मिलकर सब ने कॉर्नर किया उसी टीम ने पलट कर ये ज़बरदस्त बदला लिया। और इंडियन फैंस खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेली है, तारीफ़ कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पूरा हक था कि वो जीतते, लेकिन इतना जलील करके नहीं जीतना चाहिए था। देखो यार, पाकिस्तान अच्छा खेली आज और उन्हें पूरा हक है जीतने का, पर ऐसे जलील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, एक आध विकेट तो इंसान ऐसे ही दे देता है प्यार मोहब्बत में कि चलो अगला भी आया है खेलने के लिए, जूते वूते पहन के उसको भी इंजॉय करने दो। 12 बार हमने उन्हें वर्ल्ड कप में हराया, पर कभी ऐसे रूडली नहीं हराया। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट नहीं की ऐसे, पर नहीं, उनके प्लेयर को तो रिकॉर्ड तोड़ने थे आज। अब जलालत चूंकि भरपूर थी तो सेलिब्रेशन भी बनती थी, और जहां भारत की जलालत की बात हो वहां पर हमारे फौजी भाई भला कहां पीछे रहते हैं, और उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जश्न मनाया। कैसे मनाया जरा आप ये मनाजर देखिए, कैसे ज़बरदस्त और खूब शोर शराबा किया उन्होंने। ऐसे मनाजर मैंने अभिनंदन को पकड़े जाने और त्यारे गिराए जाने का जो वक्त था आपको याद होगा, उस वक्त देखे थे। एक वीडियो उस वक्त भी मंजरे आम पर आई थी जब हमारे ये फौजी भाई नारे लगा रहे थे और खूब जश्न मना रहे थे। और तो और, वजीर आजम इमरान खान भी खूब मजे लेते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मैच बड़े पुरसकून तरीके से इंजॉय किया और आज एक बड़ा प्यारा
तंज या कमेंट कह लें आप, उन्होंने किया पाकिस्तान भारत मैच पर और सऊदी अरब में होने वाली इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से जब खिताब कर रहे थे और जब बात आई भारत से ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से, सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट और तिजारती ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जितने बुरे तरीके से पाकिस्तानी टीम ने कल भारत को हराया है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट इम्प्रूविंग गुड रिलेशनशिप्स विद इंडिया. I know after last night's thrashing by Pakistan team in the cricket match, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. तो प्राइम मिनिस्टर का ये टॉन्ट या कमेंट, ये भी इंडिया पर बड़ा भारी पड़ना है और इसको भी अब लाएंगे हेडलाइंस में आहिस्ता आहिस्ता, इसके ऊपर भी बात करेंगे. खैर, थोड़ी सी बात यहाँ पर इंडियन मीडिया के हवाले से भी करनी है, जो मैच से पहले मुफ्ती पोपलजी की तरह जीत का ऐलान कर चुका था. ऐसा ठंडा पड़ा है कि रात भर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की बजाय, सही बात है, मैंने खुद इंडियन मीडिया को ज़्यादा देखा है और देखता रहा हूँ और मैं सोया भी सुबह जा गया हूँ क्योंकि मैं देखता रहूँ रात भर के इंडियन मीडिया पर कैसा शोक का और मातम का सा समा था. वो तो देख के दिल को डबल सुकून मिला ना, वो भी नाकाबले बयान है. खैर, इंडिया से दो दो हाथ तो हो गए, अब सबकी नज़रें कल वाले हाई वोल्टेज मैच पर. ये इंडिया से भी बड़ा मैच बन गया है और इससे भी ज़्यादा तगड़ा होगा क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस भगोड़ी न्यूजीलैंड ये होने जा रहा है कल. और लोग कुछ कह रहे हैं कि भारत के साथ तो हमारा वार्म अप मैच था, असल निशाना तो न्यूजीलैंड की टीम है और न्यूजीलैंड को हरा दिया तो समझेंगे कि जनाब हमारा वर्ल्ड कप हो गया, हम जीत गए वर्ल्ड कप. वैसे शेख रशीद तो कह रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बस भारत को हरा दिया तो समझे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया और कुछ नहीं चाहिए, सारे अगले पिछले गुनाह माफ़. लेकिन अगर न्यूजीलैंड को भी हरा दिया तो फिर सबके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़. अल्लाह करे ये खुशियों का समा इसी तरह जारी रहे. लेकिन इस सारे माहौल में मुझे कल एक ट्वीट देखकर बड़ा दुख हुआ. जब पूरी कौम जीत का ये जश्न मना रही थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब में सरकारी और निजी मसरूफियात छोड़कर ये मैच देखा, कौम की खुशियों में शरीक हुए, तो एक फजूल सा और गैर ज़रूरी ट्वीट किया गया मरियम नवाज़ की जानिब से. आप लोगों ने भी देखा होगा वो ट्वीट और उस ट्वीट के नीचे जो लोगों के कमेंट्स थे, उफ़, बड़ा उन्हें ख्याल आया हुआ था उस टाइम भूख, महंगाई और नाअहली से मरती हुई आवाम का. और एक ऐसे मौके पर जब आवाम सब कुछ भूल के चंद लम्हे इंजॉय कर रही थी, खुशियों से भरपूर अपने लम्हात को जी रही थी, उस वक्त ये ट्वीट किया गया. और फिर पाकिस्तानी आवाम ने, जिसकी पूरी तवज्जो भारत की तरफ हुई पड़ी थी, पूरी तनदही से लताड़ा जा रहा था भारत को और जलील किया जा रहा था, उसी वक्त उन्होंने ऐसा ट्वीट किया कि तोपों का सारा रुख हुआ मरियम बीबी की उस ट्वीट की तरफ. और फिर ऐसी सुनाई है ना कि आप वो ट्वीट के नीचे ज़रा कमेंट पढ़ के देखें. कुछ लोगों ने तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ट्वीट्स किए हैं, मैं यहाँ पे पढ़ भी नहीं सकता. लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई खुशी का मौका हो और आप फूफो का किरदार ना अदा करें. बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या इमरान खान अपने मुल्क का मैच भी ना देखे. खैर, ये सियासत है, सियासत का कोई मौका मिले और सियासतदान उसे हाथ से जाने दे, ऐसा बहुत कम हुआ है. बहुत आला ज़र्फ़ के लोग होते हैं सियासतदानों में जो ऐसे मौक़ों पर ज़रा खामोशी इख्तियार करते हैं. आगे बढ़ने से पहले, कल जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये मैच देख रहे थे, एक ख़बर आपको देता चलूँ, जब ये मैच देख रहे थे उस मैच की तस्वीर में एक शख्स बैठे हुए थे, वो लंबी सी पोनी टेल किए हुए, उनकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी और बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी हुई कि ये शख्स कौन है, ये यहाँ पर क्यों है और इनके बारे में किसी ने सुना देखा नहीं था. इसलिए बहुत सारे लोगों ने मेरे से भी पूछा कि यार ये चार पांच बंदों को तो हम जानते हैं, ये वाला शख्स कौन है. तो मुझे उस टाइम नहीं पता था, फिर मैंने पता करने की कोशिश की तो ख़बर ये है, बल्कि काफ़ी हद तक कंफर्म ख़बर है, आने वाले एक दो दिनों में आपको पता भी चल जाएगी, कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी सफ़ीर, वो जो जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर थे, उनको हटाने का फ़ैसला किया है. अभी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन इत्तला ये है और बहुत तगड़े सोर्सेज की तरफ से इत्तला है कि उनको हटाए जाने का फ़ैसला कर लिया है. कभी इम्कान है कि एक दो दिनों में इसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाए. और ये जो पोनी टेल वाले शख्स थे, ये हैं मीर खुरम राठौर और ये कैनेडा में पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात थे. तो इस दौरे पर उनको खसूसी तौर पर ले जाया गया है सऊदी अरब में और इत्तला ये है कि उन्हें पाकिस्तान का सऊदी अरब में नया सफ़ीर तैनात कर दिया जाएगा. यूँ बिलाल अकबर को वापस वतन वापस लाया जाएगा और हो सकता है उन्हें कोई और ज़िम्मेदारी दी जाए, लेकिन अभी तक की खबर यही है कि उन्हें हटा दिया जाएगा.
खैर आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। मुल्क दुश्मनों की दासू हाइड्रो पावर मंसूबे को सबोताज करने की जो साजिश थी, जिसके लिए उन्होंने हमला भी करवाया एक चीनी कंपनी के काम करने वाले कुछ लोगों के ऊपर भी, वो साजिश नाकाम हो गई है। चीनी कंपनी ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर आज से दोबारा शुरू कर दी है। कुछ अर्सा कबल ये हमला हुआ था जब, तो उस वक्त ये काम रोक दिया गया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और हमारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करने की यकीन दहानी और अमली इकदाम जो किए गए उसके नतीजे में फिर आज से चीनी कंपनी ने यह काम शुरू कर दिया है। और इस मंसूबे से पाकिस्तान को कम अज़ कम 4,300 मेगावाट तक की जो सस्ती बिजली है वो मिलनी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मंसूबा रुकते रुकते एक बार फिर से चलने लग गया। और आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक अहम मामले यानी तहरीके लब्बैक के मार्च के हवाले से और इस दौरान हुकूमत से होने वाले मुज़ाकराती अमल की। क्या तहरीके लब्बैक को कलदम करार दिए जाने का जो फैसला है वो वापस हो रहा है? इस हवाले से हतमी डिसीजन जो है वो बुध के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब से वापसी पर होगा और वज़ीर-ए-आज़म ने बुध के दिन काबीना का इजलास तलब कर लिया। ये इजलास वैसे अमूमन मंगल के रोज़ होता है, तो पिछली मंगल को 12 रबीउल अव्वल थी, इस मंगल को वज़ीर आज़म सऊदी अरब है, तो उन्होंने पहुँचते साथ ही बुध के दिन ये इजलास तलब कर लिया है। दूसरी तरफ शेख रशीद जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनकी साद रिजवी से जेल में मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं पर जो कायम मुकदमा थे वो वापस लेने और उन पर आयद जो शेड्यूल 4 की पाबंदियाँ थीं उन पर भी नज़रसानी का ऐलान किया है। इस तरह जो सैकड़ों कारकुनान हैं उनको रिहा कर दिया गया है। इस वक्त तक तकरीबन 350 से 400 के करीब वो रहनुमा या कारकुनान जो बड़े मुतहर्रिक थे मज़हबी जमात के, जिनको गिरफ़्तार किया गया था मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र, उन्हें रिहा कर दिया गया है। और फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी का या मुल्क से बेदखली का जो मामला है उसे एक बार फिर पार्लियामेंट के सपोर्ट करने का इस वक्त तक फैसला हुआ है। मुज़ाकरात के नतीजे में जो बातें तय पाई हैं उन पर अमल दरामद कल तक होगा, यानी कल या परसों तक, इन दो दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा, इम्कान यही है। तब तक वज़ीर आज़म भी सऊदी अरब से वापस आ चुके होंगे और वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि इस मामले पर वंस फॉर ऑल कोई ऐसा डिसीजन करना चाहते हैं या इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहते हैं ताकि हर 4 महीने बाद, हर 6 महीने के बाद ये एहतजाज वाला मामला ना शुरू हो। रियासत का काम सुलह का रास्ता इख्तियार करना है, डंडा चलाना नहीं है। और यही बात सारे हल्के कर रहे हैं कि ऐसे हसास मामले पर ताकत का इस्तेमाल, रियासत का इस्तेमाल ना किया जाए, मतलब रियासत को बातचीत करनी चाहिए। और वज़ीर दाखला शेख रशीद इसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ TLP के मुताबिक वज़ीर दाखला ने फ़ोन करके उन्हें कहा है कि रास्ते खोल दें वरना हम आपके साथ किए गए मुआहिदों की मंजूरी के लिए जो समरी है वो काबीना को नहीं भेजेंगे। तो TLP की जानिब से कहा गया है कि हमने ट्रैफिक बहाल कर दिया है लेकिन हमारे मुआहदे पर अमल दरामद ना होने तक, बल्कि मुकम्मल अमल दरामद ना होने तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल डेवलप हुई हुई है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो सियासी बहरान है उसका असर भी पूरे पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है और वो अभी आहिस्ता आहिस्ता अपने कंक्लूजन की तरफ पहुँचता दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि एक आध दिन में उसका भी कोई ना कोई डिसीजन हो जाना, नया चीफ मिनिस्टर आना है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का दौरा है, सऊदी अरब भी जा रही है, उसमें से भी कुछ अहम चीज़ें सामने आनी है। अमरीकी सदर जो बाइडन से तो मुलाकात नहीं हुई वज़ीर आज़म की, लेकिन उनके नुमाइंदे खसूसी जॉन कैरी से अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में दोनों मुल्कों का जो सिफारती अमला था वो भी शरीक रहा और बातचीत की गई। अब इसके ऊपर एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी कि देखें जी, सदर से तो मुलाकात हुई नहीं, सदर के एक नुमाइंदे से मुलाकात कर ली, भाई जिस इवेंट में वो गए हैं उसकी साइडलाइन पर एक छोटी सी मुलाकात है और ये होना ही थी बिकॉज जॉन कैरी अमरीका के नुमाइंदा खसूसी ब्राय माहौलियात हैं और पाकिस्तान चूँकि इस सारे मामले को सऊदी अरब के साथ मिलकर लीड कर रहा है, $1 ट्रिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान शराकतदार बना है और अमेरिका भी उसमें पार्टनर है, तो ये मुलाकात तो होनी थी, ये हो चुकी है और दोनों मुल्कों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि मिलजुल कर कम अज़ कम माहौलियाती शोबे में तो अपने तआवुन को मजबूत करें, बाकी तो फिर जो सियासी मामला हैं उनके साथ देखा जाएगा, लेकिन माहौलियाती शोबे में बहुत तेज़ी से मामला को आगे बढ़ाया जा रहा है। खबरें और भी बहुत सी हैं, कल आपके साथ शेयर करूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।